हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता होगा कि हमारी भारतीय रेलवे धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और दोस्तों आने वाले 3 से 4 सालों में हमारी रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगी, चाहे मैं बात करूँ ट्रेनों को चलाने की या फिर स्टेशन के रख रखाव की या फिर पटरियों के रख रखाव की। दोस्तों, इसी बीच रेलवे ने टोटल 151 प्राइवेट ट्रेनों के लिए बिड आमंत्रित की है। दोस्तों, जो 151 ट्रेनों की बिड आमंत्रित की गई है, इसे टोटल 12 क्लस्टर में बांटा गया और दोस्तों इसमें से एक क्लस्टर पटना के लिए भी रखा गया है। दोस्तों, पटना 6 नई ट्रेनें दी गई हैं जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट होंगी। दोस्तों, ये देश के मुख्य भागों के लिए दी गई हैं और दोस्तों इसी के साथ साथ कई ऐसी ट्रेनें होंगी जो कि पटना होकर जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में से ये बात करने वाला हूं कि पटना को कौन से 6 रूटों पे ट्रेनें दी गई हैं। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कहीं वीडियो शुरू करूँ, मेरा आपसे आग्रह है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय इन ट्रेनों के बारे में जरूर बताएं। और दोस्तों, कोई भी सुझाव शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं पहली ट्रेन से जो कि दी गई है पटना से सूरत के लिए। दोस्तों, इस ट्रेन के लिए मैं टाइमिंग की बात करूं तो दोस्तों सूरत से खुलेगी 8:10 सुबह में और दोस्तों पटना आपको पहुंचाएगी अगले दिन के करीब 1 बजे। दोस्तों, ये ट्रेन सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलेगी। दोस्तों, सूरत से ये ट्रेन चलेगी शुक्रवार को और दोस्तों पटना से ये ट्रेन चलेगी शनिवार को। दोस्तों, वापसी में ये ट्रेन पटना से चलेगी दिन के करीब 2:45 पे और दोस्तों अगले दिन आपको ये सूरत पहुंचाएगी शाम के 5:55 पे। दोस्तों, ये ट्रेन 1680 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। दोस्तों, दूसरी ट्रेन के लिए बात करूं दोस्तों, यह है हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए। मुंबई से पटना के लिए ट्रेन दी गई है प्राइवेट ट्रेन। दोस्तों, यह ट्रेन चलेगी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन। दोस्तों, मुंबई से ट्रेन खुलेगी दोपहर करीब 2:15 पर और दोस्तों पटना पहुंचाएगी अगले दिन शाम के करीब 5 बजे और दोस्तों वापसी में यह ट्रेन खुलेगी 11:10 रात में पटना रेलवे स्टेशन से और दोस्तों अगले दिन 4 बजे सुबह में आपको ये मुंबई पहुंचा देगी। दोस्तों, ये ट्रेन मुंबई से चलेगी संडे और वेडनेसडे को और दोस्तों पटना से चलेगी फ्राइडे और मंडे को। दोस्तों, यदि मैं अगली ट्रेन की बात करूँ तो वह है बैंगलोर के लिए। दोस्तों, पटना से बैंगलोर के लिए प्राइवेट ट्रेन दी जाएगी। दोस्तों, यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 5 दिन चलेगी। दोस्तों, यह ट्रेन पटना से चलेगी सोमवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को और रविवार को और दोस्तों वहीं यह बैंगलोर से चलेगी सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को। दोस्तों, पटना से इसकी टाइमिंग होगी रात के 11:30 और दोस्तों बैंगलोर आपको यह पहुंचाएगी 5:15 सुबह में। दोस्तों, वापसी में यह ट्रेन बैंगलोर से भी रात में ही खुलेगी। दोस्तों, रात के 11:15 पर ट्रेन बैंगलोर से खुलेगी और दोस्तों अगले दिन आपको यह पटना पहुंचाएगी 4:50 सुबह में। दोस्तों, मैं अगली ट्रेन की बात करूं तो दोस्तों वह है पटना से पुणे के लिए। दोस्तों, पटना से पुणे के लिए ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलेगी। दोस्तों, यह ट्रेन पटना से चलेगी सोमवार और गुरुवार को। दोस्तों, यदि मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं दोस्तों, यह पटना से खुलेगी रात में 11:10 पर ट्रेन पटना से खुलेगी और दोस्तों पुणे आपको यह पहुंचाएगी एक दिन स्किप करते हुए अगले दिन 5:15 सुबह में और दोस्तों वापसी में ट्रेन पुणे से खुलेगी 7:05 सुबह में और दोस्तों अगले दिन आपको यह पटना पहुंचाएगी 1:30 दोपहर में। दोस्तों, यदि मैं अगली ट्रेन की बात करूं तो वह है इंदौर से दानापुर के लिए, जिसके बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं। दोस्तों, इंदौर से यह ट्रेन चलेगी 2:25 दिन में और दोस्तों अगले दिन आपको यह 4 बजे शाम में दानापुर पहुंचाएगी और दोस्तों वापसी में यह ट्रेन दानापुर से खुलेगी शाम में ही 5:40 पर। दोस्तों, अगले दिन आपको यह इंदौर पहुंचाएगी 8:30 रात में। दोस्तों, यदि मैं इसकी डेज की बात करूँ दोस्तों, सप्ताह में सिर्फ 4 दिन चलेगी। दोस्तों, इंदौर से यह खुलेगी सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को और शनिवार को और दोस्तों दानापुर से यह ट्रेन खुलेगी मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को और रविवार को। दोस्तों, ये तो हो गई इंदौर पटना ट्रेन की बात। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली के लिए ट्रेन। दोस्तों, दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन दी गई है। दोस्तों, ये ट्रेन डेली चलेगी और इसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी 91 किलोमीटर प्रति घंटे की। दोस्तों, ट्रेन 998 किलोमीटर की दूरी मात्र 11 घंटे में कवर करेगी। दोस्तों, यदि मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ दोस्तों, ये नई दिल्ली से खुलेगी दिन के करीब 12:30 पर और दोस्तों रात के 11:30 पर आपको ये पटना पहुंचाएगी और दोस्तों वापसी में ये ट्रेन रात के करीब 10 बजे पटना से खुलेगी और अगले दिन के करीब 10 बजे आपको ये नई दिल्ली पहुँचा देगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।